हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आई हूँ बहुत टाइम बाद, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट वेल। जस्ट ऐसा कुछ नहीं था, वैसे बीमार नहीं थी, बट थोड़ी सी बिजी भी थी जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे। और आज मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, गेट रेडी विद मी। और आज मैं आप लोग के साथ जो मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ स्मोकी आई मेकअप लुक। और मैं आपको बता दूँ, ये बिगनर्स के लिए है वीडियो, और मुझे भी कोई ऐसा कोई प्रोफेशनल मेकअप नहीं आता। जो कुछ आता है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, तो वो मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं और रेडी होते हैं, गेट रेडी विद मी, लेट्स गो। तो गाइज, यहाँ पर मैंने क्लींजर अप्लाई करा है, और क्लींजर अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पर मैं आपको फेस मेकअप नहीं दिखाऊँगी, बेस नहीं दिखाऊँगी, सिर्फ मैं आज आप लोग के साथ मेकअप लुक, मैं आज आज स्मोकी आई मेकअप लुक आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने यहाँ पर लगाया है रोज़ वाटर, और अब मैं यहाँ पर ले लूँगी कंसीलर जो मैं अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लूँगी। यहाँ आईज़ पर कंसीलर लगाने से जो आपका आई मेकअप है वो काफ़ी अच्छे से इन्हेंस होता है। तो यहाँ पर हम अप्लाई कर लेंगे कंसीलर, दोनों आईज़ पर मैं अच्छे से लगा लूँगी। और इसको फिर करना अच्छे से स्प्रेड ब्रश की हेल्प से। और अभी फेस मेकअप नहीं करूँगी, पहले मैं करूँगी अपना आई मेकअप, देन उसके बाद करूँगी फेस मेकअप। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको लगा लिया है अपनी आईज़ पर। क्यों लगा रहे हो? लेकिन मेरे से भी इसके बाद मैं करूंगी अपनी आईब्रोज को फिल, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है जेल काजल, लिया है जेल आईलाइनर काजल। आप इससे आईब्रोज भी फिल कर सकते हैं, इसमें मैंने ब्राउन शेड लिया है, या फिर आप यहाँ पर आईब्रो फिलर यूज़ कर सकते हैं। और ब्रश की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लेंथ में मेरी आईब्रोज छोटी है, तो मैं हल्की सी इसको लेंथ भी इसकी बढ़ा लूँगी। और यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर लिए हैं काफ़ी अच्छे से, और जो शेड यूज़ करा है वो ब्राउन कलर करा है। और इसी टाइप से मैं अपनी दोनों आईब्रोज फिल कर लूँगी। पीछे से आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज की बहुत ही अजीब सी शेप है। और यहाँ पर मैं कर चुकी हूँ अपनी दोनों आईब्रोज फिल, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ इसको इक्वल ब्रश की हेल्प से। और आईब्रोज फिल करने के बाद आप इसको कंसीलर की हेल्प से सेट कर सकते हैं मेरी। और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगी आईलेट पर काजल, और ये अनइवन भी हो तो भी चलेगा, तो आप इसको कैसे भी करके आईज़ पर लगा लें। देन उसके बाद हम इसको इक्वल करेंगे ब्रश की हेल्प से। तो इस टाइप से मैंने अपनी दोनों आईज़ पर लगा ली। और मैं फिर बोलती हूँ, अगर ये अनइक्वल भी हुआ तो भी चलेगा। यहाँ पर मैंने ब्रश की हेल्प से इसको मैं अपने पूरे आईलेट पर स्प्रेड कर लूँगी। और ये चीज़ ध्यान रखें, ये ऊपर तक ना जाए। तो यहाँ पर मैं इसको कर चुकी हूँ इक्वल, और यहाँ पर मैं इसको कर चुकी हूँ अच्छे से स्मच। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ बस 2 और 3 प्रोडक्ट। अब मैं नीचे अप्लाई करने वाली हूँ काजल, इसको आप अपनी वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लें। इसी काजल को मैं अपनी वाटर लाइन पर भी अप्लाई कर लूँगी। और अभी आप देख सकते हैं आई मेकअप बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये काजल कैसा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको पूरा मेकअप करेंगे तो काफ़ी अच्छे से सेट हो जाएगा। और फिर मैं इसको ब्रश की हेल्प से स्मच कर लेती हूँ काजल को भी। एक बार पाव कहोगे तो मैं मंगा लूंगी। और यहाँ पर मैंने लिया है डार्क ब्लैक कलर के अंदर आई शेड, और मैं इसको अच्छे से लगा लूंगी अपने आईलेट पर। देख लो ना कितनी ब्रेड है।
अब इसको ब्रश से कर लें इक्वल। देख के जाना और एक आप देख बार। सकते हो ये मतलब जो पहले ये अनइवन लग रहा था, अभी अच्छे से इक्वल हो चुका है, इवन हो गया है। और कोशिश करें कि जब आप अपना आई मेकअप करें तो ब्रशेस का यूज़ करें। और इसको मैं नीचे भी लगा लूँगी। अब यहाँ पर मैं ब्राउन कलर लूँगी और मैं इन दोनों शेड्स को ऊपर से आप देख सकते हैं एक अच्छा सा शेड दूंगी, जिससे ये जो आपने स्मोकी आई मेकअप लुक करा है ये काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैं ब्राउन शेड अप्लाई किया मैंने, डार्क ब्राउन। इसके बाद मैंने ये शिमरी लिया है जो मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। ये मैंने शिमरी आई शेडो पिक किया है ब्लैक शेड के अंदर, जो इस लुक को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास शिमरी ना हो तो भी चलेगा, या फिर अगर आप शिमरी लुक ना देना चाहते हो। और मैंने यहाँ पर फॉल्सीज यूज़ नहीं करी है, मैंने लैक्मी का लिया है मस्कारा और मैं इसको अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी। मैंने आईलैशेस यूज़ नहीं करे हैं। नेक्स्ट मेकअप लुक जो मैं क्रिएट करूँगी, कोशिश करूँगी मैं इसमें फॉल्सीज यूज़ करूँ। और यहाँ पर मैंने दोनों साइड मस्कारा अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना फेस मेकअप भी पूरा कर लिया था। जैसा कि मैंने बताया, मैंने इसमें आपको फेस मेकअप नहीं दिखाया, सिर्फ स्मोकी आइज दिखाया था। यहाँ मेरा लुक हुआ पूरा। तो गाइज ये मेरा हो गया स्मोकी आई लुक, मेकअप लुक क्रिएट जो मैंने किया था पूरा। और आज मैंने आपके साथ जो ये लुक शेयर किया है ये मैंने विदाउट फॉल्सीज करा है, मैंने आईलैशेस अप्लाई नहीं करे हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में फॉर श्योर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये जो मेकअप लुक है इसमें जस्ट मैंने आईज का मेकअप दिखाया है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं अपना ओवरऑल फुल मेकअप आपके साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा लुक कैसा लगा और मैंने रेड लिपस्टिक इसलिए अप्लाई करी है क्योंकि ब्लैक आउटफिट हो या फिर स्मोकी आई, इसके साथ रेड कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपको मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। बाय।